press the bell icon on the YouTube and never miss another update. Hello everyone, welcome back to our health channel. और आज फिर हम आपके साथ हैं एक खास वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने इस कोरोना के समय आरटीपीसीआर का नाम काफी सुना होगा, तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आरटीपीसीआर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आरटीपीसीआर के बारे में जान लेते हैं कि आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब आसान भाषा में इसका मतलब आपको बता दूं कि दोस्तों, जैसे कि आप डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो कोरोना वायरसेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप इसके जो सेंटर है उसमें बीच में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है आरएनए वायरल जीनोम, यानी ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इस जेनेटिक मटेरियल से अपने ही जैसे और वायरस को बनाता है, ठीक है। अब जो आरटीपीसीआर होता है उसमें जो आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसका मतलब बाद में बताऊंगा, पहले आपको बता दूं पीसीआर का मतलब क्या होता है। इसमें पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें किसी चीज को बहुत बड़ा किया जाता है लैबोरेटरी में, ठीक है। अब जैसे जो कोरोना वायरस है, इसका ये खुद इतना छोटा है, उसका जेनेटिक मटेरियल भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस चीज को बड़ा करने के लिए पीसीआर का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि हम डीएनए को ही इस मेथड से एम्पलीफाई कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो कोरोना वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, ठीक है। तो इस मेथड में, इस जो प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि नाक से आपका कॉटन स्वैब से सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उसे लैब में भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद लैब में भेजने के बाद सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की होती है, यानी उसमें आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि डीएनए ही का ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए बनता है, उसके बाद इसे ये हो गया हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बाद जो डीएनए बनेगा उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से बहुत ज्यादा बड़ा करके उस कोरोना वायरस को पहचाना जाता है माइक्रोस्कोप से, कि यही क्या एक कोरोना वायरस है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा सबसे मतलब सरल भाषा मैंने आपको जो बताने की कोशिश की कि आरटीपीसीआर क्या होता है और कैसे काम करता है, ये इसका जो फंडामेंटल इसका प्रिंसिपल है दोस्तों। और आरटीपीसीआर की कॉस्ट लगभग 2000 से 2500 तक आपको प्राइवेट लैब में मिल जाती है, और इसमें जो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 2 से 3 दिन इसमें इसलिए लग जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्योंकि ये टेस्ट आपका केवल लैब में हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए लैब तक, और लैब हर जगह होती नहीं है, और लैब तक जाने में टाइम, ट्रांसपोर्ट में टाइम लग जाता है, इसलिए 2 से 3 दिन आपको लग जाते हैं इस टेस्ट के रिजल्ट आने में, ठीक है। दोस्तों, जिस प्रकार केसेस बहुत बढ़ गए हैं और ट्रांसपोर्ट में भी टाइम लगता है क्योंकि लैब हर जगह नहीं है, इसलिए इसका टाइम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो लैब में ये 5 से 6 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।